चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू अपने पास कौन से नस्ल की बकरियां हैं? ये गुलाबी नस्ल के हैं। अच्छा जी जी। गुलाबी हमें दिखाएं थोड़े से, एक एक दिखाएं हमें। जी ये है, ये गुलाबी है सब, और ये बकरा है। अच्छा है, बकरियों का। गुलाबी नस्ल की हमें कुछ खासियतें बताएं। असल में ये खूबसूरती है। जी जी। और झालर नाक वगैरह। अच्छा झालर नाक। जी। अच्छा इनकी और बकरियों में वो खासियत नहीं है जो गुलाबी में होते हैं। अच्छा इसका चमड़ा जो है गोरा होता है। अच्छा जी हाँ। हमें इनकी झालर और हमके इनके कान दिखाएं। जी ये है कानों का लंबाई और सफाई, और झालर ये सांड का नाक का गोलाई, ये यानी इसके खसूसियात हैं। अच्छा अच्छा इनके कान कितने होते हैं तकरीबन? कान इसके बकरियों का होते हैं 25 से 24 इंच 22, यानी सांड का होता है 24 से 27 तक। अच्छा और कौन कौन सी खासियतें होती हैं गुलाबी की? बस यही है, सिर्फ खूबसूरती है और शौकिया जानवर है, लोग लेते हैं। अच्छा अपने पास कितनी बकरियां हैं? बकरियां तो मेरे पास भी तकरीबन 20-25 हैं। जी जी। भाइयों के पास है, हर एक के पास इतने होंगे। अच्छा और ये कितनी प्राइस में तक तकरीबन मिल जाते हैं ये गुलाबी नस्ल के, अगर बच्चा कोई हो प्योर गुलाबी हो? असल में ये बच्चा 3 लाख। जी जी। अगर प्योर गुलाबी हो तो 3 लाख? हाँ, 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 3 लाख 4 लाख। जी जी ऐसे बिकते हैं। अच्छा और इसका जितना खूबसूरती होगा उतना रकम है। अच्छा उतना उसका रकम है। झालर और कान की भी रकम होती है क्या कोई? जी जी इसका खूबसूरती इसी में है। अच्छा झालर और कान में। जी जी। अच्छा इनकी डिजाइन मतलब ऐसी होती है कि उनके हिसाब से पैसे होते हैं? जी जी डिजाइन के हिसाब से पैसे होते हैं। अच्छा इनको गुलाबी क्यों कहते हैं चाचा? इसका चमड़ा गोरा है ना। जी जी इसलिए इसको गुलाबी कहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा चमड़े की वजह से इनको गुलाबी कहते हैं? गुलाबी गुलाबी कहते हैं। जी जी। अच्छा और इसका चमड़ा जो है ना। जी जी कच्चा है। जी जी ये गुलाबी है, इसकी वजह से इसको ये आसानी खिलते हैं। जी जी जब बकरी बूढ़ी होती है ना। जी जी तो आसानी खिलते हैं थनों में। जी जी और पीछे। जी 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 हाँ इसका चमड़ा गोरा है कच्चा है और बकरी से मुख्तलिफ है। अच्छा ये बकरी कितने की तकरीबन? ये पट तकरीबन 2 लाख की है। तकरीबन 2 लाख की? जी जी जी। अच्छा इसका मैं दीदार करवाएं? हाँ बिल्कुल देख लेना, इसके कनों की लंबाई देख ले। जी जी। और झालर देख ले और नाक की गोलाई देख ले। अच्छा हाँ दरअसल इसका जो झालर है और कान है और नाक है इसी में क्वालिटी बनता है। अच्छा गुलाबी तो जमा का एक लफ्ज है। अच्छा हाँ तो उसमें फिर क्वालिटी है, इस वजह से आते हैं। कानों की लंबाई देखा जाता है कि लेंथ क्या कितना है क्या है। अच्छा कितना इंच है। जी जी तो उस हिसाब से इसका कीमत बढ़ता भी है और नीचे भी आता है। अच्छा अगर कीमत, अगर इनके कान है वो 24 इंच के हैं। जी जी तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी देखो शौक की चीज का कोई कीमत नहीं होता है। अच्छा हाँ अगर मार्केट में अगर बेचा जाए तो उसकी कीमत क्या होगी? तकरीबन 2 लाख से स्टार्ट है, 10 लाख 12 लाख तक बकरी जो है ना जाता है। अच्छा एक ही बकरी। तो अपने पास कितने बकरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तकरीबन 30-35 दाने हैं। अच्छा और बकरियां कितनी हैं अपने पास? हाँ बकरियां हैं, यानी उसमें उसके बच्चे हैं तकरीबन बड़े 20 हैं। अच्छा फिर बच्चे हैं छोटे सांड हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। अच्छा जरिया आमदन भी है। जी जी और शौक भी है। अच्छा तो इस हिसाब से पालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे उजरत भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। अच्छा हाँ और चाचा ये मतलब आप कब लाए थे इनको? हमारे पास तो इसको तकरीबन 10-12 वर्ष हुए हैं। अच्छा 10-12 वर्ष हो गए। हम शौक से पालते हैं। अच्छा आपके शौक को तकरीबन 10-12 वर्ष हो गए। जी जी जी। अच्छा तो सिंध भर के शौकीन खुसूसन कराची के आते हैं लेने के लिए। अच्छा कराची से आते हैं? हाँ हाँ कराची से आते हैं। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे लगाते हैं, हम बेचते भी हैं रखते भी हैं। अच्छा बस कारोबार है। अच्छा इस हिसाब से रखे हुए हैं। और ये गुलाबी है और गुंडा भी है।
अच्छा, इसको क्या कहते हैं? गुलाबी है, और गुलाबी में मोटा जो है ना, अच्छा नहीं है इसके ऊपर, अच्छा सींग नहीं है, इसलिए इसको मोटा कहते हैं। हाँ, सिंधी में इसको ठोड़ी कहते हैं। अच्छा, सिंधी में ठोड़ी कहते हैं, उर्दू में मोटा कहते हैं। अच्छा, गुलाबी भी है, इसमें दो क्वालिटी है। अच्छा, पट है जी, ये है पट। पट का मतलब क्या होता है? चाय यानी छेली होता है सिंधी में, जिसको छेली बोलते हैं। अच्छा अच्छा, उर्दू में पट बोलते हैं। जी जी, जो बिल्कुल वाइट होता है ना, जी जी, उसको कहते हैं कपला। कपला? हाँ, गुलाबी में जो बिल्कुल वाइट है उसको कपला कहते हैं। उसको कपला कहते हैं। अच्छा, और जिसको धब्बा होता है तो उसको गुलाबी में वो भी आ जाता है। जी जी, लेकिन फिर उसके क्वालिटी में, जी जी, वो धब्बा या जो टिक्का है लाल होता है, पीला होता है, जी जी, मुख्तलिफ कलर से होते हैं, तो फिर उसकी क्वालिटी में थोड़ा कमी आ जाता है। अच्छा, अगर बिल्कुल वाइट है तो वो A1 का है। अच्छा, A1 का है, मतलब वो प्योर गुलाबी, वो प्योर गुलाबी है। अच्छा, तो फिर कानू का लंबाई देखा जाता है, झालर देखा जाता है। जी जी, तो जितना खूबसूरत है उतना उसका जो है ना वैल्यू ऊपर जाता है। जी, जैसे ये क्वालिटी, इसका गर्दन लाल है। जी जी हाँ, इसका गर्दन लाल है, तो इसकी कीमत कम होगी? कम होगी। अच्छा, ये हाई लेवल का पट है। अच्छा अच्छा, ये कानू का लंबाई और झालर नाक हाई लेवल का है, लेकिन ये धब्बे की वजह से, अच्छा, इसका कीमत कम है। चाचा, प्योर गुलाबी की कुछ खुसूसियात बताएं, जो प्योर बिल्कुल गुलाबी होगा उसकी क्या खुसूसियात होंगी? बस ये वो पूरा सफ़ेद होता है। अच्छा, पूरा सफ़ेद होगा, पूरा सफ़ेद, और चमड़ी भी साफ। जी जी, यानी गोरा हो। अच्छा, भी वाइट होता है, सींग भी वाइट होते हैं। अच्छा हाँ, तो वो प्योर है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, चमड़ा भी बिल्कुल साफ हो, चमड़े के ऊपर भी कोई धब्बा ना हो। अच्छा, मतलब चमड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। अच्छा, ये सब क्वालिटी में आ जाता है ना। जी जी, अगर नहीं है बैक वक्त सब सिफात मौजूद नहीं है तो फिर क्वालिटी में कमी आ जाती है, फिर शौकीन पैसा इतना नहीं लगाएगा। अच्छा हाँ, अगर जो अगर मैं गुलाबी तकरीबन जो बकरी होती है वो कितने बच्चे देती है? बच्चे तो वो देती है, दो भी देती है, तीन भी देती है। अच्छा, एक भी देती, जैसा कि आम बकरियां देती है। जी 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 हाँ। अच्छा, तो ये भी बकरी है, कभी कभार चार भी देते हैं। अच्छा, कभी कभार चार भी देते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल दो देती है? नॉर्मल आम दो देती है। अच्छा, आम दो देती है। अच्छा, अगर बकरी 6 महीने की है और बकरा भी 6 महीने का है तो कीमत सेम होगी? कीमत सेम होगी। अच्छा, क्वालिटी अगर बराबर का है ना, जी जी, तो कीमत उसका ऊपर ही है। अच्छा हाँ, अगर 6 महीने के कोई गुलाबी प्योर है तो उसकी कीमत क्या होगी? उसकी भी देखो ना, अगर कानू की लंबाई बराबर है, जी जी, नाक गोल है, जी जी, झालर है, जी जी, और जिस्म पे धब्बा नहीं है, जी जी, तो वो 2 लाख से स्टार्ट है। जी जी, तो 12, 15, 8 लाख, 7 लाख, बस यही उसका कीमत है। अच्छा, शौक के पैसे है, ये चीज के पैसे नहीं है, ये शौक। अच्छा अच्छा, यानी ये डिपेंड है शौक पे। जी जी, अगर शौक उस बंदा ज्यादा करता है, पैसा भी ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा हमको दे के जाते हैं। अच्छा, अगर नहीं कोई व्यापारी है, जी जी, तो वो तो 2 लाख की चीज कोशिश करेगा, 1.5 में मिल जाए। अच्छा, यही हिसाब है। चाचा, आपके पास कहाँ से शौकीन आते हैं ये बकरियाँ गुलाबी खरीदने? पूरे सिंध से आते हैं। अच्छा, पूरे सिंध से? पंजाब से भी आते हैं। पंजाब से भी आते हैं। पंजाब से भी आते हैं। अच्छा हाँ, ये शौक अब बहुत हद से आगे बढ़ा है। अच्छा, तो इंशाल्लाह हमें अल्लाह पे उम्मीद है, भरोसा है कि और भी आगे बढ़ता जाएगा। जी जी, गरीबों का रोजी का जरिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मतलब फार्म खोलना चाहे तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? हम तो यही मशवरा देंगे कि माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि अच्छा ही उसका प्रॉफिट उसको आ जाएगा। अच्छा हाँ, मतलब आप उसको यही मशवरा देंगे कि वो गुलाबी नस्ल की जो बकरियां हैं वो रखे? रखे। अच्छा, तो उसमें हाँ बहुत क्वालिटी और बिकते बहुत हैं। अच्छा, बिकते भी बहुत हैं। हाँ, मंडी में जैसा भी आप गुलाबी कोई भी जानवर लेके जाओगे तो उसकी ग्राहक बहुत है। अच्छा हाँ, बनस्बत आम जानवरों के। अच्छा, और कामोरी, बरी और पटेरी के नहीं है इतने? नहीं। अच्छा, गुलाबी मेरे सिंध में टॉप पे है। अच्छा हाँ, ए लेवल पे गुलाबी है। अच्छा चाचा, अब अपने पास जितने भी हैं इनमें से जो सबसे खूबसूरत हो और जो सबसे महंगा हो वो आप हमें उसका दीदार करवाएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो ये बकरा है, सांड है हमारा। अच्छा, कौन सा? ये
जी है, तकरीबन उम्र इसका 8 महीना है। अच्छा, उम्र इसकी 8 महीने। हाँ। अच्छा, तो अभी हमारे अंदाजे के मुताबिक कम अज कम ये 6 से 8 लाख रुपए का। अच्छा, 6 से 8 लाख रुपए। हाँ। का है। फिर ये जैसा कि मैंने बोला कि शौक के पैसे हैं। जी जी। तो इस पे डिपेंड करता है जी, यानी 6 से 8 लाख तक का है ये बकरा। अच्छा। हाँ। इसको थोड़ा जी, इसको थोड़ा सा चलाएं। हाँ, इसको चलाएंगे। इसके कान के पट्टी जो है ना। जी जी। वो भी बिल्कुल साफ है, बीच में टाका नहीं है। अच्छा। और झालर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही है। अच्छा, झालर चाहे इसकी कितने इंच की होगी तकरीबन? झालर इसकी मेरे समझ में होना चाहिए कोई 8 इंच की तो होगी। अच्छा, 8 इंच की। हाँ। और इसके कान कितने लंबे? कान इसके 22 इंच है अभी। जी जी, अभी 22 इंच है। हाँ, अभी इस उम्र में 22 इंच। अच्छा, ये अपनी 8 महीने का है। हाँ। जी, तो जब ये जवानी पे आएगा ना। जी, तो इंशाल्लाह इसका 25-26 तक उम्र देगा आ जाएंगे कान। अच्छा, ये जवानी मतलब कौन सी उम्र होती है इसकी जवानी की? ये 2 दांत से लेके 6 फिर बराबर दांत होते हैं। अच्छा, अभी इसके 2 दांत हैं? अभी 2 भी नहीं, अभी खीरा है। अच्छा, अभी बिल्कुल मतलब अभी बिल्कुल बच्चा है। अच्छा, इसका बचपन आया। अच्छा। हाँ। नाक का गोला ही देखें ना कि नाक कहाँ से बना हुआ है। जी जी। मतलब ये गुलाबियों में जिसकी ऐसी डिजाइन बनी हुई ये बहुत कम होती है? ये बहुत नायाब नस्ल है और अच्छा, कम है। अच्छा, नायाब और ये कम है? बहुत बिल्कुल कम है ये। अच्छा। ये जानवर लाखों में ऐसा समझो कोई एक होएगा। अच्छा। हाँ, इसका नाक देखो। जी जी। अल्लाह ताला ने फुर्सत से ऐसा बनाया। जी जी। कि बिल्कुल इतना गोला है कि इसका सांस रुक रुक के आता है। अच्छा, इसका हाँ, सांस भी रुक रुक हाँ, के आता है? बिल्कुल रुक रुक के आता है। अच्छा, इसका यही वजह है कि इसका नाक का गोला ही ज्यादा है। अच्छा। हाँ। और जो गुलाबी नस्ल में बीमारियां तो नहीं आती ना? नहीं आती हैं। अच्छा, बीमारियां आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं गुलाबी में? इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। अच्छा। जैसा कि सिंधी में पिपड़ी कहते हैं। जी जी। और बुखार वगैरह। जी जी। मच्छर होता है तो फिर वो उसके हिसाब से इसका चमड़ा कच्चा है। जी जी। तो इस पे ज्यादा असर करता है, हमला करता है। तो फिर हमारे पास दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं। जी जी। वो अपना मेहनत करते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कवर हो जाते हैं। अच्छा, बीमारी वगैरह। अच्छा, एक गुलाबी बकरी जब तैयार होती है तो आपका मतलब कितना खर्चा लग जाता है? एक मतलब छोटा सा गुलाबी का बच्चा है तो इसमें आप जितना सोरस लगाओगे, दाना है, खर्चा है, जी जी है, तो अगर जितना उसको खिलाओगे उतना उसका दाम बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब जिसमें खून आता है तो खूबसूरती ज्यादा होता है। अच्छा। खूबसूरती हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर कम पालोगे तो पैसे भी कम करेगा। अच्छा। हाँ, यही बात। अच्छा, इसकी जो अब जब हम मंडी में लेके जाते हैं तो इनका रेट किसके हिसाब से होता है? मतलब इनके वजन के हिसाब से होता है या इनके कानों के हिसाब से होता है या इनके नाक के हिसाब से होता है? कौन सा मतलब वो चक्कर होता है जिसके हिसाब से इनका रेट होता है? हर उजबा देखता है ना। अच्छा। कान भी अपने हिसाब से देखेगा, नाक भी देखेगा। अच्छा। जब बयक वक्त सब क्वालिटी इसमें मौजूद हो, गुलाबी भी हो। जी जी। तो फिर ये बहुत पैसा करेगा, बहुत। अच्छा। करेगा मंडी में बहुत पैसा करेगा। अच्छा। हाँ। इस बार मंडी का क्या रेट था चे? इस बार थोड़ा मंडी डाउन था। अच्छा, मंडी डाउन था बरसात की वजह से? अच्छा, क्योंकि फ्लड आया हुआ था कराची पूरा। जी जी। हाँ, तो वो फंसा हुआ था। अच्छा, आप कराची लेके गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। जी जी। दोस्त हमारे गए। अच्छा, तो बहुत सारे ने लॉस किया। जी जी। एक आधा ने कमाया भी, अल्लाह का मर्ज़ी है जिसको फायदा दे जिसको नुकसान दे। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेहरबानी। मेहरबानी। शुक्रिया। थैंक यू।